हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल डिजिशाला जेई नीट। आज की क्लास में हम लोग माइकल फेराडे का जो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है उसके बारे में स्टडी करेंगे, और इसके अंदर टोटल दो लॉ होगा उसको हम लोग देखेंगे। जो सेकेंड लॉ होगा वो बेसिकली फर्स्ट लॉ का ही थोड़ा बहुत आगे का रूप है। अगर फर्स्ट लॉ को अच्छे से समझ लेते हैं तो सेकेंड लॉ बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। और इसके अंदर हम लोग लास्ट क्लास के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट स्टडी किए थे उस बेसिक कॉन्सेप्ट का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। तो इसके अंदर देखेंगे कि क्या फॉर्मूला है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, किस पॉइंट पे हमारा सवाल पूछा जाएगा। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइसिस से अगर सवाल आता है तो आप ध्यान रखिएगा कि फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से ही सवाल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। सो ये टॉपिक करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस से सवाल पूछा जाता है और हर तरह के एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और माइकल फेराडे का जो लॉ है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां तक इलेक्ट्रोलाइसिस की बात है। तो हम लोग इस लॉ को स्टार्ट करते हैं, तो आप पूरे फुल कमिटमेंट, फुल फोकस एंड फुल कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको और काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं हर बार की तरह फिर से आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप को आप अवश्य ज्वाइन कर ले। वेबसाइट पे जो हमारा पीडीएफ वगैरह अपलोड होता है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और समय समय पे उसको रिवाइज करते रहिए। आप फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे लाइक करते रहिए फेसबुक पेज पे, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हमारे तक पहुंच सकते हैं। आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, इससे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप चाहे तो हमें पर्सनली मैसेज एसएमएस वगैरह भी करके आप हमारे तक पहुंच सकते हैं। मैं बच्चों से खास रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बच्चे, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपको पता है कि आपको वीडियो को लाइक करना चाहिए, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, और आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, अपने मित्रों को बताना चाहिए। क्योंकि मैंने कई बार बोला है शेयरिंग इज केयरिंग, सो आप शेयर कीजिए क्योंकि उसी से आप दूसरों का केयर कर पाइएगा। और इसमें जो ये सब जो निगेटिव भावना है कि अगर हम उसको बता देंगे उसका फ़ायदा हो जाएगा, तो ये सब जो चीज़ें हैं ना वो अच्छा नहीं होता है। एक अच्छे इंसान की ये सब खासियत नहीं होती है। सो हमें इंजीनियर डॉक्टर बनना है, और साथ ही साथ में मतलब हमें एक बहुत ही अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है ना। जैसे आप देखते हैं ना कि आजकल मतलब इतना ज़्यादा समाज के अंदर इतने डिफरेंसेज हो गए हैं, मतलब अमीरी गरीबी का, अलग अलग धर्म के लोगों का, मतलब लोग यार एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, मतलब तो ये बहुत गलत हो जाता है। तो संसार में आपके जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है जो बहुत अच्छे इंसान है ना। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं बोलूँगा आपको कि आप एक अच्छे इंसान की तरह ना, मतलब एक अच्छे इंसान की जो खूबी होती है उसको आप अपने अंदर मतलब इनकलकेट करें, आप उसको अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि एट द एंड जो होगा ना, अगर आप अच्छे होंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। और अल्टीमेटली जो लाइफ में होता है ना, मैं बताता हूँ आपको मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अल्टीमेटली लाइफ में ना यही हमारा सेटिस्फैक्शन होता है। जब कोई आपको अपने काम के लिए, आपके नेचर के लिए जब आपको प्रेज करता है ना, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। और जब बहुत ह्यूज नंबर्स में अगर आपको लोग अगर प्रेज करते हैं आपका, अगर मतलब आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं ना, तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब आप सोने जाएंगे ना तो आपको बड़ा आनंद का महसूस होगा, और ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है। तो मैं आपको बोलूँगा कि एक दिन में डेवलप नहीं होता, इसलिए इन सारी चीज़ों को ना, जो नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपको गलत डायरेक्शन में ले जाता है, उन सब चीज़ों से ना अपने आप को आप एकदम ऊपर रखिए। उस सब चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए मैं बोलूँगा कि कभी भी किसी से मतलब किसी के अच्छे नंबर आने पर आप उससे ईर्ष्या फील मत कीजिए, आप एनवीएस मत फील कीजिए, जेलसी फील मत कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि हम भी मेहनत करें और उससे और बेहतर करें। अब ऐसा नहीं है कि मतलब समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद भी मतलब आगे नहीं बढ़ पाते हैं और दूसरों को भी चाहते हैं कि आगे नहीं बढ़ पाए। तो मैं चाहूँगा कि आप ऐसे लोग ना बने, आप ऐसे लोग बने जो खुद भी आगे बढ़े और साथ में 10-15-20 हज़ार लोगों को भी मतलब साथ में मतलब राइज कराएं और साथ में मतलब बड़े बने। तो ऐसे लोगों की काफ़ी रिस्पेक्ट मतलब सोसाइटी के अंदर होती है। तो इसी के साथ हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले तो फर्स्ट लॉ को यहाँ पर स्टडी करते हैं। फर्स्ट लॉ तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, देखिए द अमाउंट ऑफ, पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या मतलब है इसका।
द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस डिस्चार्ज एट Discharged at a particular electrode is directly proportional to the amount of charge flowing through the electrolytic cell तो ये हमारा हो गया क्या मतलब ये हमारा हो गया फैराडेज का फर्स्ट लॉ हो गया। तो क्या इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। पहला बोलता है कि कितना अमाउंट डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज का मतलब होता है कि वो कितना लिबरेट होगा। डिस्चार्ज का मतलब होता है कितना डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा। लिबरेट होने का मतलब कि जैसे कोई गैस अगर निकला है तो कितना निकलेगा, ठीक है, लिबरेटेड बोलेंगे, या तो हम इसको बोलेंगे डिपॉजिटेड बोलेंगे। जैसे कोई चीज अगर किसी चीज पे जाके जमा हो रहा है अगर, तो कितना आखिर वो जमा होगा, तो उसको बोलेंगे डिपॉजिटेड। अगर वो निकल रहा है तो लिबरेटेड बोलेंगे, तो उसी का वर्ड होता है डिस्चार्ज। तो कितना अमाउंट मतलब कितना मास उसका जो है कितना मास उसका क्या है बताइए डिस्चार्ज हो रहा है कि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे। तो अब जरा समझिए कि इलेक्ट्रोड कैसा होगा। तो अगर एनोड होगा तो सब्सटेंस क्या होगा बताइए, वहां ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं इसी लॉ को कि किसी भी सब्सटेंस का कितना अमाउंट एनोड पे ऑक्सीडाइज हो रहा है और कितना अमाउंट उसका कैथोड पे क्या हो रहा है बताइए रिड्यूस हो रहा है, वो डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना, जो उस सेल से पास हो रहा है। कहने का मतलब ये है, देखिए ये मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, यहाँ पर आपका एनोड है, ये आपका कैथोड हो गया। अब यहाँ से आप वायर के थ्रू क्या कीजिए, बैटरी कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है, आपका ये बैटरी कनेक्ट हो गया, ये मान लीजिए एनोड हो गया, ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, कैथोड हो गया। अब मान लीजिए कि आपने यहाँ पे सॉल्यूशन में ले लिया, मान लीजिए H2SO4 ले लिया, ठीक है, आपने डाइल्यूट ले लिया H2SO4 का सॉल्यूशन एक्वस वाला। तो आपको पता है कि H2SO4 के अंदर क्या होता है, तो कैथोड पे आपका क्या होता है बताइए H2 गैस निकलता है, और एनोड पे आपका क्या होता है तो बताइए एनोड पे क्या होता है O2 गैस निकलता है, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो एनोड पे ये जो गैस है ना वो कितना निकलेगा और कैथोड पे ये जो गैस है वो कितना निकलेगा, वो डिपेंड करता है इसका मास जो है, इसका अमाउंट का मतलब इसका मास। तो कहता है कि इसके मास को अगर हम W मान ले, इस अमाउंट को अगर हम W मान ले अगर, और जितना चार्ज फ्लो कर रहा है उस चार्ज को अगर हम लोग Q मान ले, तो बोलता यही है कि जो W है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q के बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से फर्स्ट लॉ से जो अब हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं उसको हम लोग जरा देखते हैं कि क्या ये डेरिवेशन है। तो क्या डेरिवेशन है जरा देखते हैं इसको। तो क्या बोलता है कि जो W है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, Q के बराबर। तो अब क्या करेंगे बताइए, तो W अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q के बराबर है तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, Z यहाँ एक कॉन्स्टेंट आता है तो यहाँ कॉन्स्टेंट के रूप में Z आता है और इसको हम लोग लिखते हैं Q, ठीक है। और Q आपको पता है Q क्या है, चार्ज है, और चार्ज को हम लोग कैसे लिखते हैं बताइए, तो करेंट इनटू में लिखते हैं टाइम, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ना कि जो करेंट होता है वो होता है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेल पर यूनिट टाइम,
क्यू बाई टी इज इक्वल टू करेंट होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है फिजिक्स के अंदर, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो क्यू बराबर हम लोग आई टी लिख देंगे, तो यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला भी लिखते हैं जेड आई और टी लिख देते हैं, तो ये फॉर्मूला भी बड़ा प्रचलित है। तो सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल याद कर लेना है कि W इज इक्वल टू जेड इन टू क्यू हो गया, और सेकेंड फार्मूला हो गया W इक्वल टू जेड इन टू आई टी हो गया। तो ये दो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अब जरा एक चीज और आपको याद कर लेना है कि जो Z होता है, Z वो क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है, और अगर ये कॉन्स्टेंट है तो इसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा ना, तो इसका नाम है, बताइए क्या नाम है, आपको कैसे पता होगा, अभी तो नहीं पता होगा, तो इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, इस Z का हम लोग वैल्यू लेते हैं कितना है, तो ये Z इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर हो गया, ये इसका नाम है, मतलब Z इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब किसी भी कांस्टेंट का जब हम वैल्यू निकालते हैं ना, तो ऐसे निकालेंगे, देखिए W इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पर कितना, जेड इन टू क्यू। अब हमको जेड का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, तो क्यू के वैल्यू को अगर हम लोग 1 कूलम्ब पुट कर दे, इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम्ब अगर पुट कर दे, तो W जो है वो Z के बराबर हो जाएगा, और ये अगर ऐसा कर देंगे तो यहाँ से इस Z का हमको डेफिनेशन मिल जाएगा। तो क्या डेफिनेशन मिलेगा, तो W क्या है, मास है, ठीक है, और Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे इसको, देखिए हम लोग यहाँ पर ऐसा लिखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ ए सब्सटेंस डिस्चार्ज का मतलब वही है जो लिबरेट हो रहा है, जो वहां पे निकल रहा है, डिस्चार्ज्ड एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड व्हेन 1 कूलम्ब चार्ज is passed through the cell। तो कहने का मतलब क्या हो गया, देखिए कि W is equal to Z हो गया, समझ में आ रहा है आपको, W is equal to क्या हो गया, Z हो गया। तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि जो W है वो Z के बराबर कब होगा, जब Q equal to 1 है। तो क्या मतलब है कि जब 1 कूलम्ब चार्ज पास करेंगे तो जितना मास डिपॉजिट होगा ना, कहाँ पे, कहीं पर भी, एनोड पे चाहे कैथोड पे, जितना मास डिस्चार्ज होगा उसी मास को हम लोग बोलेंगे कितना, बताइए, जेड। जैसे सोचिए ना, अगर किसी का अगर 1 कूलम्ब चार्ज अगर हम पास किए और उसकी वजह से अगर मान लीजिए कि 1 ग्राम अगर मान लीजिए कि मास डिपॉजिट हुआ, तो यही जो 1 ग्राम हुआ ना, वही उसका कहला जाएगा जेड। तो यहाँ पर आपको इतना समझ में आना चाहिए कि इसी को हम लोग बोल देंगे जेड। तो जितना मास डिपॉजिट हुआ 1 कूलम्ब चार्ज की वजह से, वही उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया कि 1 कूलम्ब चार्ज को पास करने से जितना मास डिस्चार्ज होगा किसी का, उसी को हम लोग बोलेंगे उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और उसको कैसे लिखते हैं, तो जेड के बराबर लिखते हैं। अब पिछले क्लास को हम लोग याद करेंगे कि जब हमारे पास चार्ज अगर 1 फराडे होता था तो हम लोग क्या लिखते थे, 1 फराडे से कितना ग्राम इक्विवेलेंट लिखते थे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिखते थे, और जो मास आता था वो किसके बराबर होता था, वो इक्विवेलेंट मास के बराबर होता था। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, देखिए, इफ अगर चार्ज का वैल्यू अगर 1 फराडे के बराबर है, 1 फराडे का मतलब क्या समझते थे आप, 96500 कूलम्ब अगर होगा, तो जो मास होगा, मास मतलब क्या, W,
तो मास जो है वो उसके इक्विवेलेंट मास के बराबर हो जाएगा। ये जो ई होता था वो क्या होता था, इक्विवेलेंट मास के बराबर है। और ये मैंने पिछले क्लास में आपको ये वाला लाइन लिखा था नोट के अंदर कि वन फराडे मास मतलब वन फराडे चार्ज पास करने से जो मास डिपॉजिट होता है वो हमेशा इक्विवेलेंट मास के बराबर होता है। तो अब जरा क्या करेंगे, तो क्यू के जगह पे पुट कर देंगे वन फराडे, ठीक है, जिसको वैल्यू रखेंगे 96500 और डब्ल्यू के जगह पे वैल्यू रख देंगे ई। तो अब जरा ये फॉर्मूला लगा लेंगे हम लोग, ये वाला फॉर्मूला, पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, पहला वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे और उसके मदद से हम लोग ये चीज यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए W बराबर लिखते हैं कितना, Z इंटू लिख देंगे क्या Q, और यहां से अगर सॉल्व करें तो W के जगह लिख देंगे E, Z हमको निकालना है और Q के जगह पे लिख देंगे कितना 96500 कूलम। और यहां से जो Z का वैल्यू आएगा वो हमेशा आएगा E बटा में आएगा 96500 आ जाएगा। और इसी को हम लोग ऐसा लिखते हैं E बटा में कितना F लिख देते हैं, क्योंकि F क्या है, F है आपका फेराडे और फेराडे का ही वैल्यू कितना है 96500। तो इसका मतलब ये हो गया कि Z का वैल्यू जहां भी लिखना होगा आपको लिखना होगा इक्विवेलेंट मास बटा में लिखना होगा 96500, ऐसा हम लोग को वैल्यू लिखना होगा। या इसी को अगर लिखना चाहे और क्या लिख सकते हैं, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं E बटा में लिख सकते हैं कितना फेराडे, वन फेराडे, और वन फेराडे कितने के बराबर है, तो वो 96500 कूलम्ब के बराबर होता है। तो हमको यहाँ से देखिए क्या क्या पता चल गया, तो हमको एक ये फॉर्मूला पता चल गया, हमको Q बराबर IT के बराबर पता चल गया। और यहाँ से अगर देखिएगा तो Q बराबर IT जो है ना उसको इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक है, I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो यहाँ से Q को हम लिखे तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया। तो हमको अब यहाँ से क्या क्या मिल गया उसको एक पेज पे लिख लेंगे। तो W इज इक्वल टू लिखेंगे कितना Z इंटू क्यू, W इज इक्वल टू लिखेंगे कितना Z इंटू आई टी, और Z बराबर लिखेंगे कितना, तो E बटा में लिखेंगे 96500, ठीक है, इतना लिख देंगे। और हम लोग Q को कितना लिखते हैं, तो I इंटू टी भी लिखते हैं। लेकिन एक चीज और समझिएगा यहाँ बहुत जरूरी है कि Q को जब हम लिखते हैं ना तो ऐसा भी फॉर्मूला लिखा जाता है, dQ इज इक्वल टू आई इंटू डी टी भी लिखा जाता है। आप लोगों को ज्यादा पता होगा क्योंकि ये जो चार्ज है ना, अगर स्मॉल चार्ज अगर निकालना हो तो करंट लिखते हैं और डी टी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हमको पूरा चार्ज निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे चार्जेस को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो सोचिए ना, अगर छोटा छोटा चीज को आपस में जोड़ दे, जैसे जो मोती का माला बनता है तो मोती के माला को क्या करेंगे, एक अगर एक मतलब रस्सी नहीं बोलेंगे, रस्सी का माला थोड़ी पहना जाता है, धागा का माला पहना जाता है। तो एक धागे में अगर मोती को पिरोएंगे अगर, तो एक एक मोती को जोड़ 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 करके ना बहुत माला बन जाता है, वो बड़ा भी बन सकता है, छोटा माला भी बन सकता है। छोटे छोटे Q के वैल्यू को अगर ऐड कर दे, dQ बहुत छोटा है तो ऐड कर दे, ऐड करने का मतलब होता है इंटीग्रेशन, जोड़ने का मतलब इंटीग्रेशन। तो अगर हम dQ को अगर इंटीग्रेट कर दे अगर, तो क्या मतलब कि हमको I dt को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और dQ के इंटीग्रेशन का मतलब होता है Q, और इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़ना। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग Q को इतना लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। अब आपको पता होगा एक चीज, कहीं पर भी इंटीग्रेशन का जो मतलब होता है वो एरिया से मतलब होता है। तो आप जरा समझिए कि अगर कहीं पर, ये आप बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत जरूरी है ये चीज। मान लीजिए ये आपका करंट है और ये आपका टाइम का मतलब ये एक्सिस है, और यहाँ पे कोई करंट और टाइम का ऐसा कोई ग्राफ दिया हुआ है, और आपको बोले कि इस टाइम पर, मतलब ये मान लीजिए T1 टाइम है और ये मान लीजिए आपका T2 टाइम है, ठीक है, मान लीजिए दो टाइम दिया हुआ है। तो दो टाइम से ये नहीं समझना है कि एक समय जो मेरा खराब चलेगा वो, और एक समय जब मेरा समय आएगा तब, क्योंकि सबका समय आता है ना, बोलते ना अपना टाइम आएगा, तो वो अपना टाइम आएगा, वो दो समय नहीं लेना, एक T1 है दूसरा T2 है। तो कोई अगर बोले आपको इस T1 T2 के बीच में बताइए कितना का चार्ज फ्लो करेगा, तो हमको क्या करना होता है, तो जब हम चार्ज निकालते हैं ना तो इंटीग्रेशन से निकालते हैं, और इंटीग्रेशन हमेशा कैसे निकलता है, एरिया ऑफ ग्राफ से।
आपको पता होगा इंटीग्रेशन का मतलब एरिया है, और एरिया किसका लेंगे, तो एरिया लेंगे हम लोग टाइम और एम्पियर का, जो है ना मतलब करंट के ग्राफ का, आई एन टी ग्राफ का। और एरिया कौन सा लेंगे, तो एरिया लेंगे ये वाला एरिया लेंगे। किस एक्सिस के साथ एरिया लिया गया, तो टाइम एक्सिस के साथ एरिया लिया गया। विथ क्या लिखेंगे, विथ टाइम एक्सिस, ठीक है। आप समझ चुके होंगे, इतनी बात आपको क्लियर हो गया होगा कि हमको ये वाला एरिया लेना है जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, वो वाला एरिया लेना है। ये जितना भी आएगा वो ले लेंगे। जैसे अगर एक एग्जांपल के रूप में आपको अगर दिया जाए, मान लीजिए अगर कोई करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, मान लीजिए ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आ गया, मान लेते हैं ऐसा अगर है, और ये मान लीजिए करंट है, ये मान लीजिए करंट है, तो आई हो गया, ये मान लीजिए टाइम हो गया, और यहाँ पे आपको टाइम ये सब मेंशन किया हुआ है, मान लीजिए आपको ये सब टाइम दे दे, ठीक है, ये वैल्यू आपको दे दे मान लीजिए, ठीक है, तो हम लोग एरिया निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे एरिया बताइए, तो पहले हम लोग इस वाले ट्रायंगल का निकाल देंगे, ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे, ये वाला, ठीक है, यहां से निकल जाएगा। फिर हम लोग ये जो ट्रेपीजियम बनेगा उसका एरिया निकाल देंगे, इस वाले ट्रेपीजियम का एरिया निकाल देंगे, और फिर ये जो रेक्टेंगल बना है उसका एरिया निकाल देंगे। तो इसका मान लेते हैं एरिया, अगर मान लीजिए ए आ गया, इस वाले का एरिया मान लीजिए बी आ गया, इस वाले का एरिया मान लीजिए सी आ गया, तो टोटल चार्ज जो क्यू आएगा वो तीनों के एरिया मतलब ए प्लस बी प्लस सी से आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन का मतलब एरिया होता है, इतना आपको समझना होगा। तो ये हम समझ सकते हैं कि आपको इसमें कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला फॉर्मूला ये है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड फार्मूला इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड फार्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ जो एरिया वाला बात है वो तो खैर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो चीज है ही नहीं आपके पास। तो कहने का मतलब ये है कि इस पेज में जो जो बात लिखा हुआ है वो बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा बात समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इस फर्स्ट लॉ को हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। तो फर्स्ट लॉ के अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि फर्स्ट लॉ में बोलता है कि जो अमाउंट है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा। चार्ज को कितना लिखेंगे, तो क्यू को हम जेड आई टी मतलब जेड आई टी मतलब आई टी लिख देंगे यहाँ से, और उसके बाद फिर जेड को कितना लिखेंगे, तो ई बटा में 96500 ऑलवेज लिखा जाएगा। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे वो हम लोगों ने देखा, और इसके बाद हम लोगों ने ये कर लिया। अब जरा एक चीज यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि डब्ल्यू सेकेंड लॉ पे हम लोग आ रहे हैं। दो लॉ है इसका, बहुत ज्यादा घबराना नहीं है, बहुत ईजी है। W इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं बताइए, जेड इंटू क्या लिखते हैं, क्यू लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जरा समझने का कोशिश कीजिएगा कि W बराबर क्या हो गया, जेड हो गया। और यहाँ से अगर हम लोग लिखेंगे तो W इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, जेड को लिख देंगे E, और बट्टा में लिख देंगे क्या बताइए, यहाँ से अगर लिखे जेड W बराबर लिखेंगे E, और यहाँ से लिखेंगे E बट्टा में क्या 96500 और इंटू में लिख देंगे Q, ठीक है। तो यहां से अगर हम ऐसा लिख दें कि W बाई ई इज इक्वल टू लिख देंगे कितना, Q बटा में लिखते हैं 96500, ठीक है। और ये जो 96500 ये जो चीज है ना, ये वाला जो चीज है, इस ये आपका कौन सा चीज है, ये आपका Q बाई एफ, और इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ फेराडे। क्या बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ फेराडेज, ये है आपका नंबर ऑफ फेराडेज। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जरा समझने की कोशिश कीजिए कि अगर Q का वैल्यू अगर हम कांस्टेंट कर दें, है ना, तो W बाई E का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इस वाले पॉइंट पे हम लोग आएंगे कि इसको Q बाई F को, इस वाले पॉइंट को हम लोग समझेंगे कि जो Q बाई F है उसको हम लोग नंबर ऑफ फेराडेज क्यों बोलते हैं, है ना। इस पॉइंट पे हम लोग जरूर चर्चा करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग बिल्कुल चर्चा करेंगे, क्योंकि चर्चा तो करेंगे बिना चाय का चर्चा करेंगे, है ना, दारू पी के चर्चा करेंगे। कभी आप लोगों का रिजल्ट निकल जाएगा और आपका मन करेगा सर के साथ पार्टी करना हो तो आइएगा, कभी दारू बैठ के पिया जाएगा और मस्त एकदम चर्चा किया जाएगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा डर ये लगता है कि दारू पीने के बाद बच्चे कहीं गलियाने ना लगे कि अरे यार तुम तो इतना बेकार पढ़ाए हो कि हम क्या बताएं, मतलब, तो इसीलिए थोड़ा सा डर भी लगता है। लेकिन फिर भी
ये मजाक को थोड़ा दूर रखते हैं, तो क्या करना है देखिए, ये तो समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, W बाई ई हो गया, यहाँ पे Q बटा ए हो गया। अब जरा सोचिए एफ तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, एफ क्या है, कॉन्स्टेंट है, क्यू भी अगर कॉन्स्टेंट हो गया तो W बाई ई क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, और यहां से आ गया आपका सेकेंड लॉ, ठीक है, यहां से आपका निकलता है सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट। क्या है सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट देखिए जरा, सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है कि इफ सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू टू और मोर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज विथ ईच अदर देन द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट ईच इलेक्ट्रोड विल बी इक्वल देखिए समझिए, सिंपल सा बात है, पिछले क्लास में बताए थे कि जो गिवेन मास बटा इक्विवेलेंट मास होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्राम इक्विवेलेंट, क्या बोलते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट। तो अगर चार्ज का वैल्यू अगर सेम होगा, कांस्टेंट अगर होगा, तो W बाई ई का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है, इसी डायग्राम को ऐसे हम लोग समझेंगे, मान लीजिए दो सेल अगर कनेक्टेड है, अच्छा सीरीज में क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है ना कि अगर दो सर्किट को कनेक्ट कर दिया जाए सीरीज में, तो आपको पता है कि यहाँ से जो करंट जाएगा वही यहाँ से करंट जाएगा, तो यहाँ से अगर आई करंट गया है तो यहाँ भी आई करंट पहुँचेगा, और यहाँ अगर चार्ज क्यू पहुँचा है तो यहाँ भी चार्ज क्यू पहुँचेगा। तो करंट क्या होता है बताइए, सीरीज में करंट सेम पहुँचता है, तो सीरीज में ही कनेक्ट करना होगा। तो मान लीजिए ये आपका एक रॉड हम लोग ले लेते हैं, ये एक रॉड ले लेते हैं, एक रॉड ये ले लेते हैं और एक रॉड ये ले लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या है, कोई भी एक यहाँ पर सॉल्यूशन ले लीजिए, ठीक है, मान लेते हैं ये मेरा एक सॉल्यूशन हो गया, दूसरा यहाँ पर एक सॉल्यूशन ले लेते हैं, और क्या करते हैं इसको हम लोग एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। मान लीजिए ये बैटरी हो गया और ये अंदर वाले को आपस में वायर से जोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसा हम लोग जोड़ दिए। अब क्या हुआ देखिए, समझिए कि यहां से जो करंट पास हुआ क्यू, वही करंट इस वाले तक पहुंचा, वही करंट यहां तक पहुंचा, यहां पर भी कितना करंट पहुंचेगा, क्यू पहुंचेगा, यही यहां पर भी चार्ज कितना पहुंचेगा, क्यू पहुंचेगा, क्योंकि सब सीरीज में कनेक्टेड है ना, यहां से भी क्या होगा, क्यू चार्ज पहुंचेगा, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है ये सब, है ना, सीरीज में है ना कनेक्टेड, ऐसे एक के बाद एक है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, इस तरह से कनेक्टेड है, और ये सब सब का किससे कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है, इस तरह से ऐसे कनेक्टेड है, समझ लीजिए। तो जो चार्ज यहाँ से निकलेगा वही तो यहाँ जाएगा, वही यहाँ जाएगा, वही यहाँ जाएगा, वही यहाँ जाएगा, तो वही चार्ज यहाँ पहुँचेगा, वही चार्ज सर्किट में घूमेगा, फिर यहाँ जाएगा, और यही चार्ज आपका वापस हो जाएगा। तो सब जगह जो क्यू है वो क्या हो गया, सेम हो गया। तो इसका मतलब कि यहाँ पे अगर मान लीजिए इस वाले इलेक्ट्रोड पे जो मास है डिपॉजिट हुआ है, मान लीजिए कितना W1, और यहाँ पर जो इक्विवेलेंट मास है वो मान लीजिए है E1, यहाँ पे मान लेते हैं मास है कितना W2, और यहाँ पे कितना है, ये है मान लीजिए E2, यहाँ पे जो मास डिपॉजिट हुआ है वो मान लीजिए W3,
यहाँ पे इक्विवेलेंट मास है मान लीजिए कितना E3 है, यहाँ पे कितना है तो यहाँ पे है W4 और यहाँ पे कितना है तो यहाँ पे आ गया आपका E4 और ये चारों आपस में क्या होगा बराबर हो जाएगा क्योंकि ये चारों किसके बराबर है तो क्यू बटा एफ के बराबर है। कितने के बराबर है ये अगर आपसे कोई पूछे तो कितने के बराबर है तो क्यू बटा एफ, क्यू बटा एफ मतलब कितना बताइए 96500 के बराबर है, यहाँ लिख सकते हैं 96500 और Q तो चूंकि सब में सेम है इसका मतलब कि W1 बटा E1 इज इक्वल टू W2 बटा E2, W3 बटा E3, W4 बटा E4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेम चार्ज फ्लो करेगा सर्किट में अगर दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर जो कि आपस में किसमें कनेक्टेड है सीरीज में अगर कनेक्टेड होगा तो अगर सेम चार्ज का अगर पास किया जाएगा तो जो W बाई E का रेशियो होगा वो सबके लिए क्या होगा सेम होगा। और W बाई E को हम लोग क्या बोलते हैं W बाई E को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। W बाई E को क्या बोलते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या हो गया समझने का कोशिश कीजिएगा कि अगर दो चीज को बराबर करना हो तो क्या करेंगे W1 बटा में क्या लिखेंगे बताइए E1 इज इक्वल टू लिखेंगे W2 बटा में लिख देंगे E2 और ये तीनों को दोनों को किसके बराबर करेंगे तो Q बटा F के बराबर में करेंगे और ये जो Q बटा F होता है इसी को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ फैराडेज, नंबर ऑफ फैराडेज। तो अब हम लोग यहां से लिख सकते हैं देखिए क्या कि अगर Q बटा में अगर F लिखा जाए या अगर लिखा जाए Q बटा में 96500 अगर लिखा जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या नंबर ऑफ फैराडेज, नंबर ऑफ फैराडेज। और नंबर ऑफ फैराडेज को हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और यहां से हम लोग लिखेंगे W बाई ई इज इक्वल टू आ जाएगा Q बाई एफ। तो ये आपका हो जाएगा क्या बताइए यही आपका फर्स्ट लॉ है। तो सेकेंड लॉ से हम लोग फर्स्ट लॉ के तरफ पहुंच गए क्योंकि W बाई ई को जब हम लोग लिखते हैं ना तो Q बाई एफ लिख देते हैं बहुत आसानी से ऐसा लिख सकते हैं बहुत आराम से समझ में आना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेकेंड लॉ भी समझ में आ गया कि अगर सेम चार्ज को पास करेंगे अगर तो ग्राम इक्विवेलेंट सबका क्या होगा बराबर हो जाएगा। इससे रिलेशन आया W1 बटा E1 इक्वल टू W2 बटा E2 बराबर W3 बटा E3 बटा में कितना आएगा W4 बटा E4 और ये आएगा Q बटा F और ये आ गया Q बटा 96500 और यहाँ से जो W बाई E मतलब ये जो Q बटा ये है यही आपका नंबर ऑफ फैराडेज है और नंबर ऑफ फैराडेज इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो हम लोग को क्या क्या बात यहाँ से याद करके चलना है तो सबसे पहला चीज है जो हमको याद करना है वो है आपका W इक्वल टू क्यू इंटू जेड, ठीक है जेड इंटू क्यू भी लिख सकते हैं। W इज इक्वल टू हम लोग याद करके चलेंगे जेड इंटू आई इंटू टी याद करके चलेंगे। फिर हमको जेड के बारे में याद करके चलना है जेड इज इक्वल टू ई बटा में क्या लिखेंगे 96500 याद करेंगे। फिर हम लोग लिखेंगे W1 बटा E1, W2 बटा E2, W3 बटा E3 इस तरह से लिखेंगे और इसको हम लोग क्या लिखेंगे Q बाई F लिख देंगे और हम लोग यहाँ से एक फॉर्मूला याद करके चलेंगे नंबर ऑफ फैराडे इज इक्वल टू क्या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। और ये कैसे निकलेगा तो ये निकलेगा Q बटा F करके बराबर और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलता है तो W बाई E करके निकाल लेंगे। तो ये फॉर्मूला भी हम लोगों को स्टडी कर लेना है। अब एक छोटा सा फॉर्मूला है उसको भी हम लोग देख लेते हैं वही सेम वाला फॉर्मूला जो आपको हम वहाँ पे बताए थे वही फॉर्मूला यहाँ पे देख लेंगे कि जो Q वाला है छोटा वाला फॉर्मूला कि जो Q होता है वो होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ क्या IdT और इसका मतलब क्या है कि वो एरिया हो जाएगा किसका एरिया ऑफ किसका बताइए करेंट का टाइम के साथ विथ क्या बताइए विथ टाइम एक्सिस। तो ये मेरा पूरा कॉन्सेप्ट हो गया फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। अगले क्लास में जब मिलेंगे तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था जिसके अंदर हम लोगों ने फर्स्ट लॉ कवर किया
सेकेंड लॉ कवर किया, उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है वो हम लोगों ने कवर किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी कर लिया है। सेकेंड लॉ का एक और स्टेटमेंट है जो आपको हम थोड़ा सा समझा देते हैं, आप देख लीजिएगा। W इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, जेड इंटू क्यू लिखते हैं ना। तो अगर सेकेंड लॉ में क्या बोलता है कि क्यू को अगर हम कॉन्स्टेंट कर दे, क्या कर दे, क्यू को कॉन्स्टेंट कर दे अगर, तो जो W है वो आपका किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जेड के। तो सेकेंड लॉ को ऐसा भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, कि इफ सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, मैं बोल देता हूँ आप ध्यान रखिएगा, कि सेकेंड लॉ को ऐसा ही बोला जाता है कि इफ सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास थ्रू टू और मोर डिफरेंट क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज विद ईच अदर, देन द अमाउंट ऑफ क्या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। मतलब जो मास है ना, जो मास है वो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के प्रोपोर्शनल हो जाता है, कब, जब क्यू आपका कांस्टेंट हो जाता है। तो सेकेंड लॉ का ये भी स्टेटमेंट है जो कि फर्स्ट लॉ से ही डिराइव होता है। तो ये इतनी सारी बातें आपको पता होनी चाहिए अगर आप माइकल फेराडे के लॉ को अगर पढ़ते हैं तो। तो फर्स्ट लॉ क्लियर है कि W प्रोपोर्शनल टू Q हो जाएगा, वहां से Z आ गया, और अगर Q को कांस्टेंट करेंगे तो W प्रोपोर्शनल टू Z हो गया, जो कि सेकेंड लॉ बन जाता है। मतलब फर्स्ट लॉ में क्या करेंगे, Z कांस्टेंट है, और सेकेंड लॉ में क्या है, Q कांस्टेंट है। तो यही दो मतलब फर्क पड़ जाता है और यहीं से आपका आंसर निकल जाता है। तो आप ये सारा फॉर्मूला जो है ना, अगले क्लास को करने से पहले ये सारा फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद ये वाली बात पता होनी चाहिए। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आपको पता है कि क्या करना है, तो लाइक ठोकना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, बच्चों को बताना है कि बहुत बढ़िया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत बढ़िया सीरीज चल रहा है, रजनीश सर पढ़ा रहे मस्त एकदम, मज़ा आ रहा है। तो इस तरह से आप बताइएगा जरा सा, थोड़ा तो बढ़ा चढ़ा के बोल ही सकते हैं ना, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं ना, थोड़ा तो बढ़ा चढ़ा के बोलना ही चाहिए आपको। तो आप थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोलिए और बच्चों को अट्रैक्ट कीजिए, और बच्चों को बताइए कि बहुत अच्छी सीरीज चल रही है। तो इसी के साथ हम लोग लेक्चर को एंड करते हैं गाइस। अगले क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, और जो भी इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर जो सवाल का पॉसिबिलिटी है उसको हम लोग जरा सा वहां पर देखने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू गाइस एंड ऑल द वेरी बेस्ट।